अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरिबा फातिमा फ्रॉम 2 to BH ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन। और हम लोगों का आज एग्जीबिशन का सेकेंड डे था। अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोगों का ये जो आप देख रहे हैं हमारा काम पीछे लगा हुआ, ये हमारे फोर्थ सेमेस्टर का पूरे सेमेस्टर का काम था जो हम लोगों ने डिस्प्ले किया, जिसमें हमने 3 मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े थे, प्रिंट मेकिंग, टेक्सटाइल और मिनिएचर। अगर मैं आपको अपनी इस पेंटिंग के बारे में बताऊं तो मेरी ये जो पेंटिंग है ये मैंने वाटर कलर से बनाई है, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि वाटर कलर को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये जो मैंने टेक्निक पर बनाई है, इस टेक्निक का नाम गुआश टेक्निक है। और अगर आप इस पेंटिंग को देखें, जो कि ये मेरी मिनिएचर की पेंटिंग है, इसमें मैंने टोटल डॉट्स पर काम किया है, जिसमें मुझे कंप्लीट करने के लिए 6 डेज लगे थे। और अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें कोई भी लाइन नहीं नजर आएगी। और ये मेरी प्रिंट मेकिंग की असाइनमेंट है, जिसमें मैंने बॉटनिकल प्रिंट निकाला है। और दिस वन इज लाइनो कट प्रिंट, जिसमें मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया है और जिसमें मैंने एक अपना फेवरेट कलर ऐड किया है। ये कलर मेरी पॉजिटिविटी को शो करता है। सो बेसिकली ये मेरी थ्रेड आर्ट वर्क है। इसमें हम लोगों को बाउंडेड कर दिया गया था कि बेटा आप लोगों को टेक्सटाइल के हवाले से अपना मटीरियल ढूंढना है और आपको थ्रेड या कोई और चीज़ टेक्सटाइल से इंक्लूड यूज़ करनी है। तो मैंने अपनी इस असाइनमेंट में या अपनी इस पेंटिंग में मैंने थ्रेड यूज़ किया है, पॉलिस्टर यूज़ किया है, और एज यू कैन सी दैट मैंने इसमें वेलवेट भी यूज़ किया है। और ये इस पेंटिंग को टेक्निक को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इन टेक्सटाइल। Thank you.